नमस्कार आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीन अमाउंट क्या होती है तो मैं आपको लीन अमाउंट सरलता से समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक खाते पर लीन लगती है बैंक की तरफ से वो क्या होती है तो हम बिल्कुल ही सरल इस वीडियो को लेकर के चलेंगे ज़्यादा टिपिकल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों लीन दो तरह की होती है एक लीन वो होती है जो बैंक को आपसे पैसा लेना है यानी किसी तरह के चार्ज है कोई फीस है बैंक की जो बैंक ने आपसे वसूल करनी है और आपके खाते में अमाउंट नहीं है तो बैंक एक लीन अमाउंट आपके खाते पर लगा देता है मान लीजिए आपके खाते पर कोई चेक लगा या आपने अपने खाते में जमा होने के लिए चेक लगाया आपके खाते में बैलेंस ही नहीं था और उस खाते का चार्ज है जैसे कि 295 या 590 वो आपके खाते से कटने थे लेकिन बैलेंस नहीं है तो चार्ज नहीं कटा तो बैंक क्या है एक लीन यानी कि एक लेनदारी आपके खाते पर लगा देता है कि जब भी आपके खाते में पैसा आए तो बैंक अपने उस चार्ज को वसूल लेगा कई बार ऐसा भी होता है आपके खाते में पैसा है ही नहीं तो आपको लगने वाले जो बैंक के चार्ज होते हैं जैसे मिनिमम बैलेंस चार्ज हो गया एनुअल चार्ज हो गया आपके डेबिट कार्ड का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है किसी तरह का भी खाते में पैसा नहीं है तो उस टाइम वो नहीं लगेगा लेकिन आपके खाते पर एक लीन मार्क हो जाएगी तो उतना पैसा मान लीजिए पाँच सौ रुपए की लीन मार्क होगी तो कभी भी आपके खाते में दो तीन हजार कितने भी आएंगे तो वो पाँच सौ रुपये बैंक अपने कवर कर लेगा और फिर दोस्तों आप बाकी का पैसा यूज कर पाओगे इसीलिए कई बार ऐसा होता है आप खाते में अमाउंट डालते हो मान लो आपने चार पाँच हज़ार डाल दिए दिखाता है ढाई या तीन हजार तो जो पैसा रुका हुआ है जो होल्ड में अमाउंट है वो बैंक का राइट है बैंक अपने आपसे पैसा कवर कर लेता है जो उसका चार्ज बनता है फिर बचे हुए अमाउंट को आप इस्तेमाल कर पाते हैं अब दूसरी तरह की लीन कौन सी होती है मान लीजिए दोस्तों आपके खाते में पैसा है दूसरी केस में क्या हो गया जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया तो आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया अगेंस्ट डिपॉजिट तो उस डिपॉजिट के ऊपर एक सिक्योरिटी के तौर पर एक लोक यानी कि एक होल्ड लग जाता है तो पचास हज़ार की फिक्स डिपॉजिट है तो पचास हज़ार का उसके ऊपर लीन लग जाएगा यानी उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि बैंक ने सिक्योरिटी के तौर पे उसे होल्ड कर रखा है तो जब आप उस क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर दोगे फिर लीन हट जाएगा और आप उस पैसे को इस्तेमाल कर पाओगे तो लीन एक टेम्प्रेरी होल्ड या लोक भी होता है कई बार ऐसा भी होता है मान लीजिए आपने कोई बैंक को पेमेंट करनी है या आपके खाते से कोई लोन अमाउंट कटनी है एक तय समय पर तो कई बार बैंक आपके उतने अमाउंट का लीन भी लगा करके रखता है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा होगा और उस तय ड्यूरेशन पे वो पैसा कट जाएगा लोन की भरपाई हो जाएगी एक दोस्तों और केस समझिए कई बार आपके खाते में गलत पैसा आ जाता है किसी ने गूगल पे या फोन किया किसी के 4-5 या 10000 या ज्यादा अमाउंट भी आपके खाते में आ गया तो कई बार बैंक उस पर लीन मार्क कर देता है यानी कि वो पैसा आपको इंटरनेट बैंकिंग में शो करेगा किसी भी तरह की लीन है दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग में देखते हैं तो आपको दिखाई देती है लेकिन जैसा कि मैंने बताया पैसा आपका नहीं है उतने पैसे के ऊपर बैंक होल्ड लगा करके रखता है तो मान लीजिए पांच हजार कहीं से आपके पास गए वो बैंक लीन लगा करके रखेगा तो जब भी बैंक को पता चलेगा या उसका कोई क्लेम करने के लिए आएगा वो पैसा आपके खाते से डिडक्ट होकर के जो उसका असली हकदार है उसके पास चला जाएगा तो लीन मैंने जैसे कि आपको सरलता से बताया दो तरह की लीन बताई है एक वो जो बैंक ने लेनी है आपसे वसूल करनी है दूसरा जो बैंक सिक्योरिटी या किसी पर्पस के लिए होल्ड करके रखता है हालांकि इसके अलावा भी कई तरह की लीन होती है जैसे इनकम टैक्स की लोन की या कोर्ट की लीन उस पर हम दोस्तों बात नहीं करेंगे हमने लीन को सरलता से समझाना था जो आपके अकाउंट में पैसा होता है उस पर जो लीन लगती है हमने आज उसी के बारे में बात की है तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद